गाइस, सो आज हम पढ़ने वाली हैं मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो उस क्रॉस को पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे कि कहां पर और क्या हो रहा है। वैसे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम इससे पहले वाले पार्ट के अंदर कर चुके हैं, तो इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को ले लेते हैं और पुराने वाले क्रॉस की रेशियो को हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, किसकी हम बात करें, देखो अपना क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही क्या है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब आप दो करेक्टर को लेकर और क्या कराने जा रहे हो, क्रॉस कराने जा रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लूंगी, एक मैंने ली है यहाँ पर राउंड एंड येलो सीड्स मैंने ली है, और दूसरे प्लांट के अंदर यानी कि दूसरी मैंने कैसी ली है, रिंकल्ड और येलो मटर के दाने, रिंकल्ड एंड ग्रीन लेते हैं भाई, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो एक तो मैंने क्या ली है, राउंड एंड येलो सीड्स ली है मटर की, दूसरी मैंने क्या ले ली, रिंकल्ड और ग्रीन ले ली। ठीक है भाई, दिखाई ऐसी देती है ये। अब यहां पर हमें क्या कराना है, इनका क्रॉस। सबसे पहले जो हमें दिखाई देता है करेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। और हर एक ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है, जीन्स कंट्रोल करते हैं। तो राउंड वाले के लिए जीन्स कौन से है, कैपिटल आर और कैपिटल आर। येलो के लिए कौन से जीन्स है, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। रिंकल्ड और ग्रीन के लिए, रिंकल्ड के लिए होते हैं भैया स्मॉल वाई एन, नहीं रिंकल्ड के लिए आप लो स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए हम लेते हैं स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। अब दोनों करेक्टर को इकट्ठे लेकर चल रहे हैं, तो हम ऐसे अलग अलग तो इनको लिखेंगे नहीं, हम क्या लिख देंगे, साथ साथ में। तो ये क्या हो गए इसके भैया, आपके एलील्स हो गए। हमने पढ़ा था ना कि पूरे को तो हम एलील बोलते हैं, और इन अलग अलग को यानी एक आर अलग, एक वाई अलग, इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स या फिर जीन्स बोलते हैं। ये तो हो गए एलील्स। अब इनसे क्या आएंगे, इनके फैक्टर्स आएंगे। तो इसमें क्या क्या फैक्टर बनेंगे, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि भाई ये वाला इसके साथ में चला गया, ये वाला इसके साथ में चला गया, और तो कुछ नहीं होएगा। हमेशा हम इस पहले वाले को पकड़ के दूसरे वाले के साथ लेकर जाएंगे। इसमें क्या हो सकता है, एक स्मॉल आर चला जाएगा स्मॉल वाई के साथ में, दूसरा स्मॉल आर चला जाएगा स्मॉल वाई के साथ में, ऐसा ही होगा ना। अब क्या कराना है, हमें क्रॉस कराना है। क्रॉस के लिए हम क्या लेके जाएंगे, ये तो क्या थे, राउंड और येलो हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है, और ये क्या थी, पेरेंट्स की ट्रेड थी। अब क्या आएगी अपनी F1 जनरेशन, यहां से आएगी। तो F1 जनरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, चार थे ना, अब टू टू जा कितने हो गए, फोर, यानी मुझे बॉक्सेस कितने बनाने हैं यहां पर, आई हैव टू मेक द फोर बॉक्सेस। मैंने बना दिए, एक दो को हम ऊपर लिख लेंगे और दो को हम कहां पे लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो अब इसको इसके साथ में कराना है, यानी इसको पकड़ो इस पूरे के साथ में, इसको पकड़ो इस पूरे के साथ में। तो कराओ, क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर भैया कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, है ना। तो क्या बने अपने पास में, चार इस तरीके की अपनी सीड बनकर आ गई। और जब उन्होंने, जिसने ये क्रॉस कराया, देखा मटर के दानों को खोलकर, तो मटर के दाने कैसे मिले, कैपिटल आर और स्मॉल आर में से कौन ताकतवर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से कौन ताकतवर, कैपिटल वाई। तो सीड्स कैसी बन जाएंगी हमारे पास, चारों की चारों राउंड एंड येलो बनेगी, क्योंकि ग्रीन तो बन नहीं सकती, ग्रीन कब बनती, जब दो छोटे वाई आते। तो मेरे पास चार की चार सीड्स बनेगी कैसी, राउंड एंड येलो F1 जनरेशन के अंदर। अब देखो F1 जनरेशन जब हमने मोनो हाइब्रिड की पढ़ी थी, जब भी चारों के चारों टॉल प्लांट आ रहे थे, तो यानी उससे हमें कुछ पता लगने वाला था नहीं कि क्या कुछ होने वाला है। मतलब जो पैकेट में धमाका होता है ना भाई, पहले जनरेशन शरीफ शरीफ सी थी, जैसी सीड ली वैसे ही उनके क्या हो गए, मतलब जैसे हमारे पास में पेरेंट्स थे बिल्कुल वैसे ही उनके बच्चे थे, बट अंदर गड़बड़ शुरू हो चुकी थी। ये कैसे थे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले, बट ये क्या हो गया, गया तो था कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, क्या बन गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला। पर असलियत हमें कब पता चलेगी, जब हम इसकी सेकंड जनरेशन को लेकर आएंगे। F1 जनरेशन में अंदर अंदर गड़बड़ हुई, अब F2 जनरेशन से हमें क्या मिलेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। पेपर में अगर 5 मार्क्स का आता है तो आप यहां से शुरू करना, और अगर 3 मार्क्स का आता है तो जो मैं कराऊंगी सिर्फ हमें वहीं से शुरू करना होता है क्रॉस को। ओके, शुरू करेंगे, हेडिंग डाल देंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहां पर भी मैं क्या लूंगी, दो राउंड एंड येलो सीड लूंगी, कौन से वाले जनरेशन के लेंगे भैया, हम लेंगे F1 जनरेशन वाले के। तो इसको हमने किसके साथ में करा दिया,
लेकिन अब के कैसी है, राउंड एंड येलो क्या है अपनी, एफ वन जनरेशन है, जनरेशन को मैंने शॉर्टकट में जी एल लिख दिया। अब इनके क्या लिखू मैं, एलील लिखती हूँ। क्या थे एलील के, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब जब यहाँ पर अगर ये वाला भी इधर कैपिटल आर ही होता तो हमारे पास दो गैमेट बनते, बट अब यहाँ पे क्या चारों अलग अलग है तो कितने गैमेट्स बनेंगे, चार गैमेट बनेंगे। कौन कौन से, एक तो कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई जा सकता है, एक कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई जा सकता है, फिर अब इसकी बारी, स्मॉल आर के साथ में कैपिटल वाई जा सकता है, स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई जा सकता है। यहाँ पर भी चार पॉसिबिलिटी है, एक कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई, उसके बाद अरे देख ये गड़बड़ मत कर देना मेरे तरह कि आर आर वाले इकट्ठे लिख दिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक आर है तो एक क्या होना चाहिए आपका, वाई होना चाहिए, ठीक है। तो चार अपने पास में यहां से बन गए। अब फोर और फोर, फोर फोर जा 16, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, 16 बनेंगे। ये क्या बन गए हमारे, फैक्टर्स बन गए, ठीक है ना। एलील इस पूरे को बोलेंगे और जब अलग अलग हो जाएंगे तो इनको फैक्टर्स बोलेंगे। करा देते हैं भैया क्रॉस, जब क्रॉस कराएंगे तो अब कितने का बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझे, 16 का। बना देती हूँ एक बड़ा सा, चार ऊपर चार नीचे बॉक्स बना दूं, तो एक दो तीन और चार, या थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ ताकि मैं इनकी रेशो को नीचे लिख सकूं, वरना रेशो लिखने के लिए हमको जगह नहीं मिलेगी। तो बना देते हैं भैया, चार लाइंस आपको ऐसे क्लिक करनी है, मतलब बनानी है, और चार ऐसे बनानी है। ये तो तीन ही बन पाई, चौथी अब पीछे बना देते हैं भैया। अब लिखना क्या है, एक साइड वाली सीट जमे, एक साइड लिख देंगे दूसरे वाले, दूसरे साइड इसको क्या लिखूं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये वाई सही से बनाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। सेम लिखने थे ना मैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब हमने लिख दिए, अब ध्यान से देखो, इसको पकड़ेंगे इन चारों के साथ में कराएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे इन चारों के साथ में, फिर इसको इन चारों के साथ में, ठीक है। तो देखो इन दोनों को कराया, क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर इसको इसके साथ में कराया, दो तो कैपिटल आर थे, एक कैपिटल वाई था और एक स्मॉल वाई आया, हमेशा कैपिटल वाले को पहले लिखेंगे। फिर इसको इसके साथ कराऊंगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको इसके साथ में कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसको इसके साथ में कराऊंगी, ये भी तो आर है ना, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पकड़ना है चारों के साथ कराना है, कि बेशक आर यहाँ से हम पहले पकड़ रहे हो पर आएगा हमेशा बड़े वाला ही पहले, तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर दिखाई दे रहा है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। बस लिखना ध्यान से वरना पूरा का पूरा टेबल गलत हो जाएगा। अब के कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, साथ साथ बनाते रहो आसान हो जाएगा। फिर कैपिटल यहाँ पे क्या आएंगे, दोनों के दोनों छोटे आर, एक कैपिटल वाई एक छोटा वाई, फिर कैपिटल आर छोटा वाई एंड छोटा वाई। अब अपने काम की बात यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। इनमें से सबसे पहले वाले को पकड़ो, कैसा दिखाई दे रहा है, कैपिटल आर है और दो कैपिटल वाई है, यानी राउंड और येलो रहा होगा। कैसा रहा होगा, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे राउंड एंड येलो सीड्स। हमें जीन से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ बाहर वाला करेक्टर देखेंगे। तो ये भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो, क्रॉस कर दिया। अब ये देखो कैसा होगा, दो कैपिटल आर है तो राउंड तो होगा ही होगा, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, फिर भी कैसा होगा, ये राउंड एंड येलो होगा क्योंकि कैपिटल वाई है। इसमें क्या होगा, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, राउंड होगा और दो कैपिटल वाई है, तो यानी ये भी राउंड और येलो होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड एंड येलो होगा। जब तक एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है, सीड्स राउंड एंड येलो रहेंगी। चार, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड एंड येलो। फिर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी राउंड एंड येलो। कितनी हो गई, पांच, और एक छह, ये भी कैसा होगा, राउंड एंड येलो। ये राउंड और येलो नहीं होगा क्योंकि दो स्मॉल वाई आते ही वो कैसा हो जाएगा, हमारे पास में ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, दो स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए, और दो स्मॉल आर किसके लिए है, रिंकल्ड के लिए है।
ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा अब यहाँ पे भी क्या होगा, राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है, दो कैपिटल, दो स्मॉल आर आते रिंकल्ड हो जाएगा, दो स्मॉल आर आते रिंकल्ड हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो। उसके बाद देखो यहाँ पे कैपिटल आर है पर कैपिटल वाई नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो राउंड एंड येलो सीड कितनी है, 9 है। क्रॉस कर दी, अब कौन सा बचा आखिरी में, एक तो यहाँ पे बच गया कि यानी कि कैपिटल आर वाला राउंड रहा होगा, दो स्मॉल वाई है यानी रिंकल्ड रहा होगा, तो नेक्स्ट पे लाइन लगा लो। अब हमें ढूंढनी है राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स, तो कितनी हो जाएंगी, एक तो यही होगी राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड एंड रिंकल्ड के लिए क्या होना चाहिए, या तो आपके पास में एक कैपिटल आर हो या दो कैपिटल आर हो, लेकिन दो स्मॉल वाई जरूर होने चाहिए, किसके लिए, राउंड एंड, भाई दो स्मॉल वाई है तो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, यानी राउंड एंड ग्रीन के लिए। तो ये राउंड एंड ग्रीन था, ये भी कैसा हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दो कैपिटल आर आते नहीं होएगा, यहाँ पे एक कैपिटल आर है लेकिन दो स्मॉल वाई है, तो राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा, तो राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 3 है। इसके बाद अपने पास बॉक्स में बच गया ये वाला, दो स्मॉल आर यानी कि रिंकल्ड रहा होगा, पर दो कैपिटल वाई है यानी कैसा रहा होगा, वो येलो रहा होगा, तो रिंकल्ड एंड येलो ये वाला हो जाएगा। दो स्मॉल आर है, कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है, ये भी रिंकल्ड एंड येलो, दो कैपिटल आर ये भी रिंकल्ड एंड येलो, तो 3 कैसे है, रिंकल्ड एंड येलो, सब कुछ कट गया, आखिरी में ये बचा है दो कैपिटल आर और दो कैपिटल, दो स्मॉल आर और दो स्मॉल वाई वाला, तो दो स्मॉल आर है यानी कि रिंकल्ड रहा होगा, और दो स्मॉल वाई है तो यानी कैसा रहा होगा, वो दो स्मॉल वाई होते ही वो ग्रीन हो जाएगा ना अपने पास में, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो एक क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन। अब रेशो देखो क्या आ गई, 9:3:1, यही आती है डाई हाइब्रिड क्रॉस की आपकी रेशो। तो ये क्या हो गया अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस का पूरा हमने क्रॉस क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दे रखा है थोड़ा सा इवोल्यूशन का टॉपिक। अब इवोल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर क्या है अपने पास में, यहाँ पर हमको देखना है